हाँ N95 N15 पे जेराल्ड फोर्ड एयरपोर्ट पे गाड़ी पार्क की। यहाँ पर ही अब हमारे वापस आने तक गाड़ी रहेगी। एरिजोना की तरफ हम रवाना हो रहे हैं। वी आर गोइंग टू वॉक टू टर्मिनल पे हम जा रहे हैं। हम टर्मिनल पे आ गए और चेक इन हो रहा है जी। ये ग्रैंड रैपिड से डेट्रॉइट और फिर डेट्रॉइट से फिनिक्स, ये दो टिकट है जी। ग्रैंड हेवन से डेट्रॉइट हमारा टाइम लग जाएगा तकरीबन 1 घंटा और आगे फिर 4 घंटे की दूसरी फ्लाइट है। अब हम अंदर जा रहे हैं लाउंज में। यहाँ पे अमेरिका में शायद ये पहली जगह जहाँ पे मास्क की सख्ती है। प्रेसिडेंट जेराल्ड ऑफोर्ड ट्रिब्यूट रूम एरिया भी, इधर किड्स एरिया प्ले एरिया भी है जी इन केस, लेकिन प्ले एरिया इस वक्त क्लोज है। ये एयरपोर्ट है जी। अब यहाँ से हमने अंदर से क्लियरेंस करके अब हम चेक इन करके आगे जा रहे हैं जी। यहाँ पे भी आपको ये नज़र आएगा अमरीकी स्पेशल कल्चर, जिसमें दीवारों को ये लोग डेकोरेट करते हैं पेंटिंग करके। इसको ग्राफिटी कहते हैं, हम लोग ग्राफिटी कहते हैं, ये ग्राफिटी बोलते हैं। चलिए, वो सामने जहाज लगा हुआ है जिसपे जहाज में जा रहे हैं। तो अब हम अपनी सीट की तरफ जा रहे हैं जी। हम अपने जहाज में बैठ चुके हैं जी। ये जहाज छोटा जहाज है, 3 सीट्स इस साइड पर हैं और 2 सीट्स इस साइड पर हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट का ये जहाज जो इसमें जी जिसमें से हम उतरे हैं। अब इसमें हम देखते हैं इनके बिजनेस क्लास में और हम में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ये आगे बिजनेस क्लास है। थैंक यू। अपने टर्मिनल A8 पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जहाज भी लगा हुआ है जिस पे हम बैठेंगे और डेट्रॉइट से फिर हम एरिजोना की तरफ फ्लाइट शुरू करेंगे। अब हम डेट्रॉइट पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं और ये हमारा ये देख सकते हैं आप हमारी विंडो से बाहर का मंजर। लाइन में तैयार खड़े हैं डेल्टा एयर सर्विस के। तो इंशाल्लाह अब जब हम पहुंचेंगे फिनिक्स तो कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। तो हमारी फ्लाइट ये डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट से जा रहे हैं हम लोग फिनिक्स, यानी ऑलमोस्ट ईस्टर्न साइड से हम वेस्टर्न साइड को ट्रैवल कर रहे हैं। तो तकरीबन समझें जी अमरीके के एक कोने से दूसरे कोने को हम ट्रैवल कर रहे हैं। लॉस एंजलिस के पास है जी ये फिनिक्स, साथ ही सिरा नेवाडा भी है जो हमें नज़र आ रहा है, डेनवर भी इधर ही है। तो फिनिक्स की अगर हम देखें तो जो इसकी हमें सिचुएशन नज़र आ रही है, इसके साउथ में जूरेज है, फिर वेस्ट में इसके लॉस एंजलिस है, लास वेगास है मशहूर तरीन जगह। तो ये तकरीबन अगर आप देखें तो 2687 किलोमीटर का ट्रैवल टाइम है जिसको हम ट्रैवलिंग है जिसको हम करेंगे जी। तो रात यहाँ के हिसाब से अभी टाइम शाइम नहीं आ रहा। तो ये है जी हमारे फ्लाइट की
डिटेल्स। एयरक्राफ्ट जिसकी स्पीड 832 किलोमीटर पर आवर होगी, तो ये फ्लाइट ट्रैकर हम फिनिक्स पहुंच गए हैं। बाहर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हरिपुर वाला मज़ा इंशाल्लाह आएगा। जहाज से उतरे हैं जी, एंड so this is the airport of Phoenix. Later ji. So this is Phoenix airport ji, and that's all. फिनिक्स एयरपोर्ट पे आने के बाद अब हम रेंट अ कार वाले शटल पे बैठ गए हैं, जो हमें रेंट अ कार वाली पार्किंग में ले जाएगा, जहाँ से फिर आगे गाड़ी लेकर हम अपने स्लीपिंग एरियाज में
चले जाएंगे। आज की बस हमारा यही एक्टिविटी रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट जर्नी एट द मोमेंट। रेंट कार वाली गाड़ी से उतर आए हैं टर्मिनल थ्री पिक एंड ड्रॉप, और ये टर्मिनल है जहाँ पे हम पहुँचाए हैं। फिनिक्स में गर्मी ऐसी है जैसी गर्मी नॉर्मली हमें सऊदीया में देखने को मिलती है, वो वाली गर्मी है। मौसम गर्म है यहाँ पे। और दूसरा जो यहाँ पे चीज़ हो गई है कि वो हमारा टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट हो गया। मतलब इस वक्त मेरे पास है रात के 10:36, जबकि पाकिस्तान में सुबह के 10:36 हैं। कंटिन्यू करते हैं जी अपनी जर्नी। अब हम रेंट कार वाले स्टेशन पर हैं जहाँ से मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो आपको गाड़ियाँ रेंट पे देते हैं। सिंस हमारी गाड़ी उधर ही मिशिगन स्टेट में ही रुकी, इस वक्त हम फिनिक्स में हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिनिक्स से हमने एरिजोना जाना है, तो लेट्स सी जी। तो ये हर्ट्स वाली कंपनी है जी जिनसे हम गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं। बाकी भी ये सारी एक्चुअली सिंस ये एरिया टूरिस्ट अट्रैक्शन है, गर्मी इधर शायद है, अल्लाह ही रहम करे। वो कार है जी रेंट जो रेंट पे ली गई है, खौफनाक किस्म की, काफ़ी बड़ी गाड़ी है।